सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन कैश लो क्रेस के और एक न्यू वीडियो में। गाइज तुम लोगों का फिर से वेलकम है। तो गाइज देखो, यहाँ पे आज जो है ना, आज हम लोग यहाँ पे होलो नाइट को अपग्रेड करेंगे और साथ ही में होलो नाइट के साथ गेम प्ले कर गाइज हम लोग जाएंगे ग्रैंड मास्टर 2 और उसमें जिसमें कि हम यहाँ पे मीटियर्स, फैन डांसर और फायर एलिमेंटल इतना कार्ड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज देखो, होलो नाइट हम बहुत दिन से सोच रहे थे अपग्रेड करने के लिए लेकिन किए नहीं थे, तो सिंपली गाइज तुम लोग देख लो। और ये मैं पहले ही कर चुका था बट गाइज तुम लोग को जो है यहाँ पे शेयर में थोड़ा लेट से कर रहा हूँ, तो गाइज उसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे देखो, होलो नाइट मेरा लेवल 3 हो चुका है और उसका अटैक में भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया और साथ में इसका हेल्थ में भी इंक्रीज हो गया है। और अटैक और हेल्थ इंक्रीज होने से गाइज होलो नाइट जो है मतलब थोड़ा सा और भी काफ़ी तगड़ा हो गया है और साथ ही जो है सामने वाले अपोनेंट से हम अच्छा खासा जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम में वर्सेस कर सकते हैं, अगर वो भी पावर टेक या कुछ अदर डेक टाइप का यूज़ करे जिसके सामने थोड़ा बहुत टिक पाए हम, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे जो है ग्रैंड मास्टर 2 यहाँ पे देखो कैसे पहुँचेंगे। तो गाइज देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, एक जो यहाँ पे अपोनेंट है गाइज, ये यहाँ पे रश डेक यूज़ कर रहा है जिसमें कि यहाँ पे ये आर्चर्स यूज़ कर रहा है और साथ में यहाँ पे ड्वार्फ यूज़ कर रहा है। तो सिंपल सा है गाइज, ये रश डेक यूज़ कर रहा है और हो सकता है ये रैपर डेक भी यूज़ करे, बट यहाँ पे गाइज यहाँ पे स्टॉर्म एलिमेंटल यूज़ कर दिया है जो कि काफ़ी खतरनाक कार्ड है। और स्टॉर्म एलिमेंटल को गाइज तुम देख सकते हो और साथ में होलो नाइट भी यूज़ कर दिया है, तो एक साथ गाइज इसका इतना कार्ड आ गया। और गाइज मेरा यहाँ पे हारना बहुत ज़्यादा चांस है बट फिर भी अभी मेरे पास अभी एक चांस है कि मेरे पास विंड आ चुका है और साथ में मीटियर्स। तो गाइज यहाँ पे मीटियर्स को हम थोड़ा सा फोर्स कर लिए हैं और इसके साथ गाइज उसके प्रोटेक्शन देने से पहले जो इसका सभी कार्ड को लगभग हमें मार दिया है। और अब गाइज अब यहाँ पे जो है, अब मेरे पास चांस है कि हम यहाँ से कमबैक कर सकते हैं, नहीं तो गाइज अगर मीटियर्स अगर उस टाइम पे नहीं आता और सही टाइम पे, तो सिंपली गाइज अभी जो यहाँ पे हार जाते बिकॉज इसका जो सभी कार्ड यहाँ पे टाइम पे आ चुका था। और साथ में गाइज यहाँ पे जो ये रैपर भी यूज़ कर लिया और रैपर में भी प्रोटेक्शन लगा लिया बिकॉज गाइज सिंपल सा है, कोई भी अगर रैपर यूज करता है तो मैक्सिमम यूजर वो लोग दो प्रोटेक्शन तो लगाते ही हैं। और साथ में गाइज हम लोग यहाँ पे जो है डबल एंजल यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम एक एंजल को यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ में यहाँ पे होलो नाइट है तो होलो नाइट में भी यहाँ पे हम एक एंजल लगाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से होलो नाइट सही नहीं रहेगा, तो अभी के टाइम में यहाँ पे गोलेम मतलब उसके पास अब उतना कोई चांस ही नहीं गाइज कि ये मेरे को हरा पाए। तो गाइज तुम लोग यहाँ पे कमेंट में बताना गाइज तुम लोग गेम प्ले कैसा लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा गाइज लेट हो गया था, ठीक है, क्योंकि मतलब ये वाला गेम प्ले मैं आप लोग को पहले लाना चाह रहा था एंड लेकिन ये थोड़ा सा लेट से आया। और भी गाइज यहाँ पे इसके आगे जितना भी गेम प्ले होगा हम कोशिश करेंगे आप लोग को शेयर करने का, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे कैस्टल 7 कैस्टल 8 तक का बोल रहे हैं गाइज, तो वो लोग भी ये फाइनल सुन लो। तो गाइज देखो, हम यहाँ पे जो वीडियो अच्छा तुम लोग को हम बना चुके थे कैस्टल 3-4 कैस्टल 4-5 और कैस्टल 5-6 तुम कैसे जा सकते हो, तो कैस्टल 6 तक का गाइज ऑल टू ऑल यहाँ पे वीडियो बता चुके हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग न्यू गेमर हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा सा कैस्टल 6 पहुँचने में दिक्कत हो रहा है, तो सिंपली गाइज उन लोगों को हम बता चुके हैं। और होगा तो अगर टाइम मिला तो मैं गाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसका तुम लोग देख लेना। और वैसे भी गाइज कैस्टल 6 तक का अच्छा से गाइज करीब 30-40 मिनट तक का वीडियो हम बनाए होंगे जिसमें कि हम पूरा कैस्टल 6 गए थे और कितना हार है, कितना जीते गए, जिसमें सब दिखाए थे तुम लोगों को। बट फिर भी गाइज एक और आईडी हम लेके जो है ना, सिंपली हम कोशिश करेंगे, तुम लोग यहाँ पे बहुत दिन से बोल रहे थे गाइज उसके लिए सॉरी। और हम भी यहाँ पे हमेशा तुम लोग कमेंट देखते कि यार तुम लोग बोलते हो कैस्टल 7 कैस्टल 8 जाना है, तो गाइज इस बार जो हम ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी जो है कैस्टल 7 और 8 का जो है कैस्टल 7-8, ठीक है, उसके बाद कैस्टल 8-9 कैसे जाएंगे गाइज, उसका जो है गेम प्ले को अच्छा से हम अपने मेरे से जितना होगा मैं लाइव टाइप का एक पूरा हम अपना गेम प्ले खेलेंगे जिसमें कि जितना हारेंगे जो भी कुछ करेंगे लेकिन कम से कम कोशिश करेंगे तुमको 5 डेक कंपलसरी कोशिश करेंगे, 5 नहीं तो 4 डेक कम से कम बताने का कि अच्छा से, कि मानो एक डेक से तुम अगर नहीं खेल पाओगे दूसरा डेक से, बट हम कोशिश करेंगे यहाँ तक जितना मेरे से ज़्यादा कोशिश हो कि विदाउट लेजेंडरी कार्ड का ही हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे जो है, और वो न्यू वीडियो जल्दी जल्दी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो हम ला लेंगे। और गाइज यहाँ पे मैं तुम लोग को एक बात और बताया था अपडेट के बारे में, ठीक है, तो अपडेट का जितना भी फंक्शन है गाइज वो चेंज कर रहा है कस्टल क्रेस, जिसमें कि तुम लोग को एनिमेशन वाला कार्ड और NFT बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो गाइज देख लेना, जिसमें कि हम 2 दिन पहले ही तुम लोग को बता चुके हैं कि अपडेट किस टाइप का आने वाला है। तो जितना भी बैकग्राउंड एनिमेशन है मेरे ख्याल से एनिमेशन ही लगेगा, तो सिंपली गाइज अपडेट जो है यहाँ पे जल्दी जल्दी आने वाला, और इसी सीजन बोला है, इस सीजन के अंत तक में जो है इस सीजन, अब देखो गाइज अब हम तो बोल ही रहे हैं लेकिन अब उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो लोग क्योंकि अपडेट यहाँ पे जो इस सीजन तक में आने वाला है, तो सिंपली देखते हैं गाइज कब तक में आ जाए, और आ जाएगा तो अच्छा रहेगा बिकॉज बहुत दिन से, क्योंकि बहुत दिन से हम भी बोल रहे हैं। और साथ में जो है यहाँ पे वो लोग भी यहाँ पे मतलब दिखाया कि यहाँ पे कैस्टल क्रेस का जो यहाँ फंक्शन किस टाइप से चेंज कर रहा है, इंटरफेस उसमें कर रहा है और नया अपडेट किस टाइप से आएगा, तो गाइज वहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है, तो इस टाइप से गाइज हम तुम लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके साथ गाइज अब बढ़ते हैं यहाँ पे गेम प्ले के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज मेरा 5350 यानी कि 5350 यहाँ पे ट्रॉफीज हो चुका है, और साथ में यहाँ पे जो बंदा है ये लेवल 11 का है बट इसका कार्ड जो है लेवल 12 से भी ज़्यादा का है,
इसका कार्ड अपग्रेड अच्छा खासा लेवल 7 का यहाँ पे डिमोन्स करके रखा हुआ है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो है हम भी यहाँ पे 4th किए हैं, तो मेरा लेवल 3-4 यहाँ पे ड्रैगन हो चुका है और हम एंजल यूज किया, बट ये अपना फायर एलिमेंटल से जो है मेरा एंजल को मार दिया। बट इसके पास मेरे ख्याल से अब उतना कोई चांस नहीं, और मेरे पास 2 मीटियर्स है ही, तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो हम 2 मीटियर्स हम दे देंगे और सिंपली यहाँ पे मैच विन कर देंगे। तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे देखो काफ़ी इजली हम यहाँ पे मैच विन करेंगे और प्लस 34 ट्रॉफीज यहाँ पे हमको मिल चुका है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो गाइज 5384 मेरा ट्रॉफीज हो चुका है, और इसमें इस वाले डेक में गाइज हम एक क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि 1 मीटियर्स। तो इसका जो है और भी गेम प्ले हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी लाने का, और साथ में अगर और भी कुछ अपडेट आता है कैस्टल क्रेस से रिलेटेड और अगर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आता है तुम लोगों के लिए गाइज, तो हम बिल्कुल गाइज तुम लोग के साथ करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद गाइज देखो ये लास्ट बैटल है, तो इस वाले बैटल को अगर हम विन कर लेते हैं तो हमको सिंपली गाइज यहाँ पे हम ग्रैंड मास्टर 2 चले जाएंगे, और चले भी गए थे गाइज। थोड़ा सा जो है ये वाला क्लिप हमको लाने में थोड़ा सा लेट हुआ, बट गाइज हम यहाँ पे जो है कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से कि जल्दी जल्दी ये वाला क्लिप हम लाएंगे तुम लोग के लिए। और उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मेरे पास गोलेम आ चुका है, और गोलेम को गाइज मेरे को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज फेन डांसर के साथ गाइज गोलेम का जो है कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे जो गाइज ये सामने वाला बंदा ये मेरा जो है एंजल को मार दे, और थोड़ा सा यहाँ पे वाईफाई वाला थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम हो जाता है गाइज, कभी कभी क्या बताएंगे। एंड उसके बाद गाइज देखो यहाँ पे जो है इसमें भी 4th किए हुए हैं यहाँ पे आइस एलिमेंटल में, और साथ में तो यहाँ पे है ही। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज़ कर दिया ट्रिपलेट्स, गाइज देखो ट्रिपलेट्स यूज कर दिया है, एंड मेरा आइस एलिमेंटल जो है यहाँ पे बचा रहा है यहाँ पे। अगर आइस एलिमेंटल यहाँ पे नहीं रहता तो गाइज यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा जो है यहाँ पे सिंपली मेरे ख्याल से माना रिचुअल भी यूज़ कर रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे जो है फायर एलिमेंटल यूज़ कर रहा है और साथ में जो है यहाँ पे डिमोन्स और यहाँ पे ट्रिपलेट्स ये सभी कार्ड यूज़ कर रहा है। बिकॉज ऐसा डेक अभी हम बहुत को देखे खेलते हुए कि जो लोग इस टाइप का डेक यूज़ करते हैं, तो ये डेक गाइज काफ़ी फास्ट टाइप का डेक होता है कि सामने वाला जो अपोनेंट यह भी डेक यूज़ कर रहा है, जिसमें गाइज यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे बहुत को हम ऐसा देखें कि सिंगल डबल यहाँ पे क्रिस्टल और साथ में मना रिचुअल यूज़ करता है, वेल कार्ड, उसके बाद डबल डिमोन्स और डबल फायर एलिमेंटल और साथ में ट्रिपलेट्स यूज करता है, तो वो डेक गाइज काफ़ी खतरनाक होता है। और साथ में अगर जिसका सामने वाला अगर कार्ड का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता तो गाइज और भी यहाँ पे जो खतरनाक हो जाता है। और गाइज यहाँ पे देखते गाइज ये वाला मैच भी यार जीत गए, देखेंगे क्या गाइज यहाँ पे जो काफ़ी इजली यहाँ पे मैच विन करके और इसके साथ पहुंचे ग्रैंड मास्टर 2। और गाइज नेक्स्ट वीडियो जल्दी आता है, तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड यू विल बी हैप्पी।